मैं यही कहूंगी कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे आंखों के सामने इस युग के अंदर, और हम सब साक्षी हैं कि वापस प्रभु श्री राम अपने दरबार में विराज रहे हैं और पूरी अयोध्या नगरी सज रही है। ये हैं वो कृष्ण भक्त जिन्होंने एक समय वाराणसी के बांकी बिहारी मंदिर में जाकर कसम खाई कि जब तक मेरा मान सम्मान मुझे वापस नहीं मिलेगा, मैं इस चौखट पर कदम नहीं रखूंगी। और आज उसी वाराणसी से लड़ रही हैं लोकसभा इलेक्शंस 2024, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध। कौन है ये, चलिए जानते हैं आज एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। इनका जन्म हुआ 2 दिसंबर 1977 में गुजरात के वडोदरा शहर में। इनके पिता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे और माँ डॉक्टर थी। कुछ समय तक इन्होंने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन कुछ समय बाद ही इनको स्कूल छोड़ना पड़ा, जिसके बाद इन्हें बहुत संघर्षों का, बहुत स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। पिता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे तो इसी वजह से ये लोग मुंबई शिफ्ट हो गए। बचपन से ही भगवान कृष्ण को अपना आइडियल मानती थी ये। घर के पास ही इस्कॉन से जुड़ी, जहां कृष्ण से और ज्यादा लगाव हो गया। ये थर्ड क्लास में थी तब इनके पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन गिरने लगी। उसी के चलते इनको स्कूल छोड़ना पड़ा। सिर्फ 2 रोटी के बदले इन्होंने और इनकी बहन ने पड़ोसियों के घर झाड़ू पोछे से लेकर कपड़े धोने तक सारा काम किया। रिश्तेदारों ने मिलना बंद कर दिया, मगर एक ने मदद की और वृंदावन ले आए, मुंबई के मोहन स्टूडियो में, जहां उनके पिता की पार्टनरशिप थी, जहां से उन्हें उनके फादर के बिहाफ पर कुछ पैसे मिले, जिससे उन्होंने मुंबई के मीरा रोड पर 4 बेडरूम का फ्लैट खरीदा। माँ की मृत्यु के बाद इनकी दादी और अंकल ने इन्हें प्रॉपर्टी और ज्वेलरी के लिए खूब टॉर्चर किया। इसी मजबूरी का फायदा उनके नेबर्स ने भी उठाया। करीब 2 साल के बाद वो मुंबई से वृंदावन शिफ्ट हो गए। वहां इस्कॉन में उन्हें गुरु मिले, जहां उन्होंने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना समझना शुरू किया और भगवद गीता पढ़ी। उन्होंने इस्कॉन में काम किया, रहना और खाना तो हो रहा था, मगर उनको पैसे की भी जरूरत थी, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता के दोस्तों को कॉन्टैक्ट किया, जिससे फिल्मों में कुछ काम मिल सके, और उनकी डेब्यू फिल्म आई डाउनटाउन। इसके बाद उन्होंने और भी फिल्मों में और टीवी शोज में काम किया, फिर चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड। 2015 में एक तेलुगु फिल्म आई जिसका नाम था थर्ड मैन, जो कि इनकी जिंदगी पर बेस्ड थी, और इसमें इन्होंने ही लीड रोल प्ले किया था। इन्होंने कभी अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर नहीं रखा, मगर जब मंदिर के अधिकारी को पता लगा तब उसने इनको जाने के लिए कह दिया। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की मगर नहीं समझे। तब वो बांके बिहारी मंदिर गईं और वहां कसम खाई कि जब तक इनका मान सम्मान वापस नहीं आ जाता, तब तक वो यहां नहीं आएंगी। आपको बता दें, वो एक ट्रांसजेंडर हैं, एक किन्नर हैं। इन्होंने कथा करनी शुरू करी और ये दुनिया की पहली किन्नर कथा वाचक बनी। ये 5 भाषाओं में, यानी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती और पंजाबी में कथा करती हैं, और इन्होंने दुनिया में बहुत जगह पर अपने शोज किए। इनको बहुत सारे खिताबों से भी नवाजा गया, जैसे अखिल भारतीय साधु समाज ने इन्हें भगवत दूषण महामंडलेश्वर का टाइटल दिया और इनको आचार्य महामंडलेश्वर का टाइटल भी दिया गया। महामंडलेश्वर शब्द का अर्थ है महान या असंख्य मठों का श्रेष्ठ, या किसी धार्मिक जिले या प्रांत का श्रेष्ठ। और फिर आया वो अहम दिन, इनको बुलाया गया किन्नर अखाड़ा के द्वारा ब्रिज में, जहां इन्हें कंधे पर बिठाकर लोग लेकर गए। वहां ये रोई और इनको एहसास हुआ कि अब इनका वो मान सम्मान वापस लौट आया है और इनको इस्कॉन टेंपल की समिति के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। कोई इनका असली नाम हेमंत बताता है, तो कोई हिमांगी पांचाल, तो कोई गीता, लेकिन दुनिया भर में ये मशहूर हैं हिमांगी सखी माँ के नाम से। ये हैं हिमांगी सखी, देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर। पुनः इसलिए मैंने वर्ड इस्तेमाल किया कि पुनः का मतलब ये है कि प्रभु राम का
मंदिर ये वापस से तैयार हुआ है। इससे पहले भी मंदिर था उस जगह पे, मगर औरंगजेब के समय पे मंदिरों का विध्वंसीकरण हुआ और मस्जिद का निर्माण उसी मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। तो आज अवशेष मिले तो ये प्राण प्रतिष्ठा पहली बार नहीं हो रहा है, ये पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और ये पुनः प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि मंदिर के ऊपर कलश लगने चाहिए, डोम बनना चाहिए, तभी भगवान श्री राम का दरबार में प्रवेश होता है, तभी प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो टिप्पणियां करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनको मैं यही जवाब दूंगी कि आप जब बोलते हैं तो सोच समझ के बोलिए आप, क्योंकि भगवान राम जी का, सीता मैया का प्राण प्रतिष्ठा नहीं, पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। उस जगह पे प्राण प्रतिष्ठा तो पहले ही हो चुका था, ये तो पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से जो तथा कथित शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं, उनको भी मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि ये पुनः प्राण प्रतिष्ठा है, ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, आपको शोभा नहीं देता है कि इस समय पे आप कमेंट और टीका टिप्पणियां करें। इसके ऊपर टीका टिप्पणियां करना अशोभायमान है। आप एक सनातन धर्मी हैं और आप बाहर के लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं, तो ये सबसे गलत बात है आपकी। आइए, प्रभु राम का दरबार सज रहा है, श्री राम का दरबार सज रहा है, सीता राम का दरबार सज रहा है, तो आइए हम सब मिलके, जब पूरा विश्व, पूरी कायनात सीता राम के नाम गूंज रहा है, तो आप क्यों टीका टिप्पणियां कर रहे हैं? आइए सम्मिलित होइए। आप सनातन धर्म के गुरु मानते हैं अपने आप को, तो आपको ये कमेंट शोभा नहीं देता है। गरुण पुराण का ज्ञान रखने वाली ये पहली हैं जो दुनिया का पहला किन्नर पुराण लिख रही हैं। और अब ये आ गई हैं राजनीति के मैदान में। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से चुनी गई महामंडलेश्वर पहली बार राजनीति के मैदान में उतरी है और उनका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रहा है। यस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संसदीय क्षेत्र वाराणसी ही है। ये कहती हैं कि मैं प्रधानमंत्री के विरुद्ध नहीं हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बहुत अच्छा लगता है, ये इनके विचार हैं, लेकिन किन्नरों का क्या? वो चाहती हैं कि किन्नरों को नौकरियों के साथ साथ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भी सीटें आरक्षित हों। 12 अप्रैल को बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके वो अपना चुनावी प्रचार शुरू कर चुकी हैं। लोगों में इस इलेक्शन को लेकर इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और अब देखना यह है कि ये इलेक्शन क्या रुख लेता है। आज के लिए इतना ही, जल्द फिर मिलेंगे एबीपी लाइव पॉडकास्ट की स्पेशल सीरीज पोर्ट्रेट्स में एक नए व्यक्तित्व के साथ। मैं मानसी हूं आपके साथ।